रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही पकोड़ों और समोसे की बहार आ गई। पकोड़े और समोसे के बगैर इफ्तार का तसव्वुर नागुजीर है। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही पकोड़े समोसे की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरियों का इस ज़मन में कहना है कि पकोड़े रमजान की सौगात हैं। अफ्तारी के अंदर तो वो हिसाब है कि हर कोई जो है जब तक एहतमाम पूरा ना हो तो उसके बगैर अफ्तारी अधूरी है, जब तक टेबल ना सजे तो। रमजानुल मुबारक में पकोड़े समोसे की दुकानों पर शहरियों का तांता बंधा हुआ है। शॉप मैनेजर जावेद का कहना है रमजानुल मुबारक में शहरी पकोड़े समोसे शौक से खाते हैं। रमजान शरीफ शुरू हुआ है तो हमारे पास समोसे वगैरह हैं, पकोड़े भी हैं, जलेबी इमरती वगैरह भी है। रमजान के हवाले से ये हमारे पास बहुत स्टॉक है और कस्टमर्स को बहुत जल्दी मिल जाता है। शहरी कहते हैं पकोड़े समोसे इफ्तारी का लाजमी जुज हैं, इनके बगैर इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। समोसे पकोड़े खास इफ्तार में डेली होते हैं, इसके बगैर इफ्तार थोड़ी अधूरी सी लगती है, इसलिए हर एक जो है आप देखें समोसे और पकोड़े की तरफ ज़्यादा वो रुझान है लोगों का। कैमरामैन साकिब अली के साथ अफजाल खान, Z110 न्यूज़ कराची। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।